नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा सॉफ्टवेयर टेक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं टॉप 5 फीचर्स फ़ोन के बारे में जो कि जिन्होंने इंडियन मार्केट में धूम मचा के रखी। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए और जो भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है, प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगामी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे और ऐसी टेक्नोलॉजी के वीडियो, व्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो और फनी वाइंस, इस टाइप का कंटेंट आपको मेरे इस चैनल पर हमेशा देखने को मिलेगा। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक फर्स्ट फोन के बारे में जिसको कहा जाता है लावा पल्स, और अगर इसकी बजट रेंज की बात करें तो ये आपको मिलेगा 1595 रुपये का। इसमें फ़िलहाल अभी एक ही कलर उपलब्ध है जिसको गोल्ड कलर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये जो है ये लावा कंपनी का फ़ोन है और लावा पल्स इसका नाम है। ये 2.5 इंच की QVGA कलर डिस्प्ले के साथ में आता है जिसमें 240x320 रेजोल्यूशन के साथ में ये आता है। और अगर इसकी पॉलीकार्बोनेट की बॉडी विद मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन तो, और इसकी 32 MB रैम आती है और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 32 GB स्टोरेज वाया माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट। देयर इज ऑल्सो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी का इसमें फीचर है और जो कि सपोर्ट करता है ड्यूअल सिम 2G GSM 900 एंड 1800 MHz। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, माइक्रो USB पोर्ट इसमें उपलब्ध है जिससे कि आपका मोबाइल चार्ज होता है। और इसमें कैमरा भी है, रेयर कैमरा है, और इसके साथ में ही आपको ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है जो कि, और साथ में वायरलेस FM विद रिकॉर्डिंग सपोर्ट। और ये अभी अपने भारत की 7 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है जो कि है इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती एंड पंजाबी, यानी कि ये सब रीजनल लैंग्वेजेस हैं और हमारे भारत की भाषा हैं तो इन सबको सपोर्ट करता है। इन सबको भी आप कन्वर्ट करके चला सकते हैं। और अगर इसके मेन हाईलाइट की हम बात करें तो ये है, इसमें एक ऐसा फीचर है जो कि पल्स स्कैनर विच कैन डिस्प्ले द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट ऑफ द यूज़र ऑन द डिस्प्ले आफ्टर ही शी पुट्स हिज हर फिंगर ऑन द स्कैनर। इसके पीछे एक स्कैनर दिया हुआ होता है, वो आपकी पल्स को स्कैन कर सकता है और BP का पता लगा सकता है और आपकी हार्ट रेट को भी मॉनिटर कर सकता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से एक बजट फ्रेंडली अगर आप फ़ोन की तरफ जाना चाहते हैं तो लावा पल्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सो यू कैन बाय राइट नाउ। इसी सीरीज में हम नेक्स्ट बात करेंगे नोकिया 225। अगर हम इसके बजट रेंज की बात करें तो इसका बजट रेंज है 3499 रुपये और थोड़ा सा प्राइस वेरी कर सकता है, मतलब यानी कि जो ऑनलाइन पोर्टल से आप अगर परचेज करेंगे या नॉर्मल शॉप से आप परचेज करेंगे तो प्राइस वेरी कर सकता है थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब इसके फीचर की बात करें तो इसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं। तो नोकिया 225 4G फीचर है, VGA स्नैपर ऑन द बैक एंड हैज़ ए 2.4 इंच की डिस्प्ले। और इसके अगर रेजोल्यूशन की हम बात करें तो 320x240 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ ही अवेलेबल है। और इसका फ़ोन की जो मेमोरी है वो है 64 MB रैम और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 128 MB स्टोरेज विद द हेल्प ऑफ माइक्रो SD कार्ड। और दोस्तों, बाकी अगर इसके बॉडी की हम बात करें तो पॉलीकार्बोनेट बॉडी है इसकी और वायरलेस FM रेडियो तो इसमें नॉर्मल फीचर्स फ़ोन में रहता है। ये म्यूज़िक प्लेयर का आपको फीचर मिलेगा, ब्लूटूथ 3.5 mm ऑडियो जैक जिसको आप कनेक्ट करके अपना मनपसंदीदा सॉन्ग सुन सकते हैं, माइक्रो USB पोर्ट रहेगा, LED टॉर्च लाइट। द फोन एज ए 1200
एमएच रिमूवेबल बैटरी यानी कि 1200 एमएच की रिमूवेबल बैटरी इसमें उपलब्ध है। तो दोस्तों अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये कलर एक तो क्लासिक ब्लू कलर जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं और मेटेलिक सैंड एंड ब्लैक कलर। तो दोस्तों ये तीन कलर यहाँ पे अवेलेबल में है और ये रिसेंटली नोकिया ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसको आप परचेस कर सकते हो 6 नवंबर यानी कि अपकमिंग मंथ से आप इसको किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से आप खरीद सकते हो। इसी सीरीज में हम थर्ड फ़ोन की बात करेंगे वो है लावा A3 फ़ोन। तो अगर इसकी फीचर्स की हम बात करें तो इसकी जो लावा 1.77 इंच LCD कलर डिस्प्ले विद रेजोल्यूशन इसका है, बाकी की जो हमने दोनों फ़ोन देखे उसके कंपेयर में थोड़ा कम है 128 और 160 पिक्सल। इट हैज़ ए 0.3 मेगापिक्सल कैमरा ऑन द रेयर यानी कि रेयर कैमरा बिल्कुल लोअर बोल सकते हैं। और अगर इसकी फ़ोन मेमोरी की हम बात करें तो स्टोरिंग कैपेसिटी यानी कि 1000 कॉन्टैक्ट्स को आप अपने फ़ोन स्टोरेज में सेव कर सकते हैं और 3 MB ऑफ ऑन बोर्ड स्टोरेज। इट ऑल्सो हैज़ ए डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट फॉर द एक्सपेंडेबल मेमोरी, आप इसमें कितने भी GB का कार्ड लगा सकते हैं तो वो आपको माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट की हेल्प से आप अपनी इसकी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। और अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो 800 mAh की बैटरी ये हमें प्रोवाइड करता है और कंपनी जैसा कि बोलती है यानी कि 3 दिन तक आप इसको बिना चार्ज के कंटिन्यूस चला सकते हैं, गाने सुन सकते हैं सब। तो दोस्तों ये सब फीचर्स तो एक्चुअल में यूज़ करने के बाद पता लगेगा, फिर भी एक बेसिक अगर आप फ़ोन की तरफ जाना चाहते हैं तो लावा A3 इज़ ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन। और अगर इसके फाइनली कलर की बात करें तो कलर है ब्लू और ग्रीन कलर में, आप इसको अमेज़न की साइट से भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी सीरीज़ का 4th नंबर वाला फ़ोन जो कि है सैमसंग गुरु म्यूज़िक 2। इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो वो 1710 रुपये में आपके मार्केट प्लेस में अवेलेबल है। और अगर इसके फीचर्स की बात करें तो ये ड्यूअल 2G कनेक्टिविटी के साथ आता है और म्यूज़िक सेंट्रिक फ़ोन इसको हम कह सकते हैं क्योंकि म्यूज़िक वाइज ये बहुत अच्छे साउंड प्रोवाइड करता है हमें। और इसकी 2 इंच की डिस्प्ले है यानी कि स्क्रीन है, बैकअप बाय 800 mAh की बैटरी है विच शुड लास्ट यू अ वीक। और इसकी अगर आप इसको एक सप्ताह तक भी चार्ज नहीं करेंगे तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है यानी कि बैटरी काफ़ी अच्छी है सैमसंग। जैसा कि आप अगर आप में से कई लोगों ने इस फ़ोन को यूज़ किया होगा तो आपको पता है इसकी बैटरी की क्या पोजिशन है। और नेक्स्ट फीचर अगर बारे में हम बात करेंगे तो ऑल्सो सपोर्ट एक्सपेंडेबल मेमोरी अप टू 16 GB विद माइक्रो SD कार्ड एंड हैज़ ए 4 MB ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज की अगर कैपेसिटी हम बात करें तो 4 MB इसमें अवेलेबल है और माइक्रो SD की हेल्प से इसको 16 GB तक इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर इसके हम कलर की बात करें तो ब्लू, गोल्ड और ब्लैक एंड वाइट कलर्स में ये अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे कंडीशन और अच्छे ब्रांड के साथ अगर आप जाना चाहते हैं और म्यूज़िक सेंट्रिक अगर आपको फीचर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप सैमसंग गुरु म्यूज़िक 2 की तरफ जा सकते हैं। और इसी सीरीज में अगर लास्ट फ़ोन की हम बात करें तो वो है जियो फोन 2। इसकी बजट रेंज है 3000 रुपये यानी कि 2999। अगर इसके डिस्प्ले की हम बात करें तो 2.4 इंच QVGA डिस्प्ले एंड ए फुल QHD कीपैड। जैसे दोस्तों आपने लावा का B6 अगर यूज़ किया है तो उसी तरीके का कीपैड आपको देखने को मिलेगा। और अगर इसके स्टोरेज की बात करें तो 512 MB की रैम है इसमें और 4 GB का इंटरनल स्टोरेज है। देयर इज़ ऑल्सो मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट यानी कि आप उसको कार्ड स्लॉट के जरिए एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर आप इसके साथ में पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हो तो 2 MP का रेयर कैमरा आपको मिलेगा और 0.3 MP का फ्रंट फेसिंग शूटर भी मिलेगा। और अगर इसके बैटरी पोजीशन की हम बात करें तो इसकी सबसे ज़्यादा बैटरी यानी कि 2000 mAh की बैटरी है इन
इस लिस्ट के अनुरूप जितने भी फोन्स हैं उन सब में इसकी बैटरी सबसे ज़्यादा है। द फोन रन्स ऑन काई ओएस, हैज ए सपोर्ट फॉर एप्स लाइक व्हाट्सएप एंड यूट्यूब एट्सेट्रा। यानी कि इसमें दो एप्लीकेशन इनबिल्ट हैं जिनको कहा जाता है व्हाट्सएप, जो कि हमारी रोज़मर्रा का पार्ट है, और सेकंड है यूट्यूब, यानी कि स्ट्रीमिंग होल डे हम कर सकते हैं आज। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी 4G कनेक्टिविटी के साथ ये लैस है। द जियो फोन 2 ऑल्सो ब्रिंग्स अ ड्यूअल नैनो सिम कार्ड सपोर्ट। अगर आप सिम लगाना चाहते हैं तो आपको सिम को और ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल नैनो सिम बना के आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, और 4G वोल्ट कनेक्टिविटी को भी ये सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अगर प्राइस टैग की हम बात करें तो ये है 2,999 रुपये का फ़ोन। तो आप विज़िट कर सकते हैं किसी भी मार्केट प्लेस में, या अगर आप EMI के थ्रू इसको परचेज करना चाहते हैं तो 141 के शायद डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, इट्स अप टू यू। अगर आप EMI के थ्रू करना चाहते हैं तो आप आगे की डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं उस शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों ये थी आज के लिस्ट, और ये तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप में से बहुत से लोगों को वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ गो हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरीके से आपको मैं न्यू टेक अपडेट्स लाता रहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।